कटनी में जादू टोना कर रुपए लूटने का मामला सामने आया है, जहां प्रिया पोपटानी से अपनी जान को खतरा और ब्लैकमेल करने व जादू टोना पत्नी को वश में करने की बात कही। शिकायत पत्र में स्पष्ट लिखा है कि ब्यूटी पार्लर की आड़ में जादू टोना कर धन लूटने का कार्य किया जाता है। मैं इस समस्या में हूँ। मेरे पास अभी 15-20 दिन पहले अमित दाहिया नाम का कोई लड़का मेरे को फ़ोन से संपर्क किया, मेरे को बोला आपका 5 मिनट का समय चाहिए। मैंने बोला किस विषय में भाई आपको समय चाहिए? बोला हो गया भैया, आपका बहुत ज़रूरी मेरे को 5 मिनट का समय चाहिए, जिस समस्या के पीरियड में आप गुजर रहे हैं उसका एक प्रकार से मैं समाधान हूँ। तो मैंने उनसे 5 मिनट मुलाकात की। उन्होंने बोला कि भैया आपको मरवाने की मेरे को सुपारी दी गई हुई है। मैंने बोला कि आपको किसने दी है? तो बोला प्रिया पोपटानी ने हमको सुपारी दी है कि आपको अलग करना है, तांत्रिक विद्या से अलग करना है या किसी भी तरीके से अलग करना है। तो उसके बाद आपकी वाइफ आपके घर की मालकिन रहेगी, आपकी वाइफ आपके घर की मालकिन रहेगी, आप दुनिया में नहीं रहोगे। तो ठीक है, अपने हिसाब से घर परिवार चलाएगी आपकी वाइफ। अब इसका प्रिया पोपटानी का मेरी वाइफ से क्या इंटरेस्ट है, क्यों ऐसा मेरे को मरवाना चाहती है? अब इस विषय में मैं SP ऑफिस शिकायत लेके आया हुआ हूँ और SP ऑफिस से अब माधवनगर थाने में मैं शिकायत दर्ज करवाने जा रहा हूँ। वो महिला प्रिया पोपटानी क्या करती है? वो ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय करती है MES कॉलोनी मित्तल कॉम्प्लेक्स में। आपकी मिसेज क्या कह रही है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रिया पोपटानी है तांत्रिक विद्या से पता नहीं कहाँ से कुछ खिला के कुछ धागे पहना के अपने वश में कर लिया हुआ है। वो उन्हीं की बातें बोलती है जो उसको प्रिया पोपटानी बोलती है। मेरे को वो बोलती है मेरे को आपसे अलग होना है। प्रिया पोपटानी के संपर्क में कब से आए, कैसे आए? ये लगभग साल से हो गए, 1 साल हो गया इनके संपर्क में है। मामला ये था कि प्रिया पोपटानी जिनका पार्लर है तो मेरे घर आई थी एक बार झाड़ फूक करवाने के लिए। उनको कुछ शारीरिक कष्ट था तो उसके बाद उन्हें आराम लग गया। फिर आराम लगने के बाद क्या मुझसे कुछ गलत चीज़ें बोली तो जो मुझे सही नहीं लगा। तो भाई इसके लिए फिर मैंने इनको संपर्क बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा आपके बारे में गलत सोच रही हैं। वो क्या बोली थी और क्या कराने के लिए? अब कराने को तो सोच रही हैं कि जान से ही ख़त्म करवा दें किसी से, गणेश बजाज को जान से ही ख़त्म कर दें। सोचने में तो इसमें लगी हैं कि कोई तांत्रिक मिल जाए या कुछ भी हो जाए। मतलब एक तरह से सुपारी के आपको दिया गया था? नहीं, मुझसे बोला गया तो मैं इस चीज़ में रहता नहीं हूँ। मैं जा करके उनको बतला दिया भैया कि ऐसी ऐसी बात है, आप थोड़ा सा सतर्क रहिए। जो इंसानियत अब ये तो मैं नहीं बता सकता। कितने पैसे का दिया गया था ऑफर? पैसे का लिए तो अभी ये नहीं था, बोले कि जो अगर कोई काम कर देगा मेरा तो जैसा बोलोगे हम वैसा कर देंगे। क्यों कराना चाहते हैं कुछ बताएं? अब ये तो उनका मैटर है। अब ज़्यादा कुछ नहीं मालूम मुझे, जो है ऐसे ही है। मेरा भांजा कटनी में रहता है, उसने फ़ोन किया मेरे को, गणेश बजाज, बोला मेरी जान खतरे में है मामा और आप जल्दी आ जाओ मेरे पास, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जैसे ही यहाँ पे पहुँचा मेरे को बताया, बोला प्रिया पोपटानी नाम की लड़की ने मेरे नाम की सुपारी दिया है अमित दाहिया नाम के लड़के को। मैंने कहा ठीक है भाई, कैसे दिया है, क्या है उसका सबूत, क्या है? उसने मेरे को कम से कम 6-7 रिकॉर्डिंग सुनाई। मैंने जब उसको सुना उसमें साफ साफ उसकी बात है कि प्रिया पोपटानी अगले आदमी को बोल रही है कि भाई उसको मरवाना है और किसी भी प्रकार से उसकी पति पत्नी में आपस में तलाक का हो जाए, और जब तलाक हो जाएगा तो उसकी पत्नी को 17 लाख मिलेगा और 18 लाख की उसकी FD होगी, जो कि हमारे लिए किसी काम की नहीं, कचरा है। और अगर ये मर जाता है तो जो भी इसकी प्रॉपर्टी होगी वो उसकी पत्नी के नाम पे होगी और वो सारा पैसा हम लोग के काम में आएगा। ये बात सुन के मैं दंग रह गया। इसके लिए हमने आकर के यहाँ पे SP ऑफिस में आ गए और माधवनगर थाने में गए। अब यहाँ पे हमारी सुनवाई हो रही है, हमसे बातचीत कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई हम देख रहे हैं।